चलो देखो पुत्र भाई, तो आज का मेरा लास्ट की टॉपिक है अपना मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो कंटिन्यू करना है तो उत्तर का वही है। हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल जी। हाँ हाँ, वो बेसिक करेंसी है ना। तो आज आप पास उन्होंने ये मटेरियल्स है अपना रिलेशन करते हैं क्लास में। मैग्नेटिक मटेरियल्स या टाइप्स बारे पहला भी आपन डिस्कस किया था। तो पहली है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तीसरी है फर्स्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स देखो बेटा, हम इहदे विच अगर असी डायमैग्नेटिक मटीरियल्स डाया और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फेरो भी करांगे, बट वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा। मेनली गल की है पुत्र, जिदा कि आप उस दिन भी गल की सी, सुनो कि कोई भी जड़ा मटेरियल है बनिया तो एटम्स का ही होया वा, ठीक है। और उदन भी थानू आपा जड़ी पिछली डिस्कशन चल रही हैं उदे च दस्या सी, कोई भी मटेरियल है जदों आपा उनू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड च प्लेस करते हैं, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता। और ये गल थानू मैं दसी सी कि मैग्नेटाइज्ड का मतलब है कि वो मटीरियल नेट आज बोलो। सो वो मटीरियल एक्चुअली की एक्वायर कर लेंदा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नू असी बोलिया सी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो हुण जदों ना थोड़े सामने कोई भी ये बोले कि सबस्टांस मैग्नेटाइज्ड हो गया, तो इमीजिएटली दिमाग च आ जानी है कि ये सबस्टांस की जी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है
वो नॉन जीरो हो गई। जे थानू कोई कह रहा कि ये सबस्टांस अनमैगनेटाइज्ड है तो उदा मतलब है भी इहदी इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन जीरो है। जे थानू कोई कहे कि सबस्टांस डीमैगनेटाइज्ड करना वा मतलब उहदी इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन नू जीरो करना वा घटा के जीरो करना है ना, ये टर्म दिमाग च रख लो। हुण हाँ जो बेटा हुण जदों आपां मैगनेटिक मटीरियल दीआं टाइप्स की गल कर रहे हैं तो मैगनेटिक मटीरियल की टाइप्स सानू पता लग मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो असी ब्रॉडली जिहड़ी कैटेगराइजेशन की है वो तीन कैटेगरीज है, डायामैगनेटिक मटीरियल्स, पैरामैगनेटिक मटीरियल्स ते फेरोमैगनेटिक। ठीक है, हुण इन्हां तिन्नां की पहचान की है, फर्क कित्थों आंदा? तां उहदा फर्क यह है कि देखो पुत्र जे आपां डाया और पैरा की गल करिए मेन स्टार्ट उत्थों कीता, जिहड़े डायामैगनेटिक मटीरियल्स है ना जदों भी ये मैगनेटाइज्ड होंगे तां इन्हां दी जिहड़ी इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन है आई एम एक तां वेरी स्मॉल होएगी कि इस वीकली मैगनेटाइज्ड होंगे, दूजा इन्हां दी जो इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन दी डायरेक्शन है आई एम तो आई एम डायरेक्शन ऑफ आई एम इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एच। एच मैगनेटाइजिंग फील्ड है तो जो भी डायामैगनेटिक सबस्टांस की गल आनी है पुत्र तो पहचान की है कि अगर अपने कोई एक अननोन सबस्टांस है उन्हों असी मैगनेटाइजिंग फील्ड च रखता जे उहदी इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन वेरी स्मॉल है तो प्लस उहदी इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन की डायरेक्शन मैगनेटाइजिंग फील्ड के ऑपोजिट है असी कहांगे भी ये डायामैगनेटिक सबस्टांस है। अच्छा जदों पुत्र डायामैगनेटिक सबस्टांसिस लग पे तां उन्हां दे एटम की स्टडी की थी क्योंकि हर चीज एटम की बनी है तो देखने वाली गल की आई ऑब्जर्व हुई कि जिन्ने भी डायामैगनेटिक मटीरियल्स है उन्हां दे जिहड़े बेसिक एटम्स है उन्हां दे अंदर जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड कोई इलैक्ट्रॉन नहीं होंगे इन्हां च। तो डायामैगनेटिक सबस्टांसिस दे विच सारे इलैक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंगे। हुण जदों आपां पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स दिमाग च रख लिया तां क्योंकि तुसीं पीरियोडिक टेबल याद कीता ही हुंदा वा, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी याद ही है, उत्थों पता लग जांदा फटाफट भी किहड़े किहड़े एलीमेंट्स है जिन्हां दे अंदर सारे इलैक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, खास करके नोबल गैसेस तां हैगियां ही है ना, तो वो सारियां डायामैगनेटिक है ना, तो वाटर भी है, तो गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ये सारे डायामैगनेटिक सबस्टांस। तो वो तुसी नाम याद रखना क्योंकि हुण CBSE वाले की करते हैं या कॉम्पीटिशन कह लो या CBSE कि जे मैनू डायामैगनेटिक मटीरियल्स के नाम याद होंगे तो अगर वो मैनू कहे कि से कोई भी नोबेल गैस का उन्हें कहता हीलियम है सपोज, तो हीलियम नू जदों असी मैगनेटाइजिंग फील्ड च रखांगे तो उहदी इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन की होएगी वीक, तो दूजा डायरेक्शन एच दे ऑपोजिट होएगी है ना, तो ता पता लग सकता जे मैनू पता होएगा भी हीलियम डायामैगनेटिक है। तो इस करके थोड़ा नाम याद रखने एग्जाम्पल्स याद रखनिया थानू जरूरी है। अच्छा और उहदी मोटे तौर पर पहचान दसती है भी जिन्हें भी सबस्टांसिस है जिन्हां दे बेसिक एटम्स दे ये कोल पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है वो सारे डायामैगनेटिक। हुण थानू याद आएगा
जेड़ा आई एम एफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और एच है ओदी जेड़ी रेशियो हुंदी है पुत उनू आपां नहीं क्या सी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या सी। हुण इत्थों देखो जेड़ी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो आ दो वैक्टर्स की रेशियो है पर आप डायामैग्नेटिक की कह चुके हैं भी एक तो आई एम वेरी स्मॉल है तो दूजा इन्हों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इस करके मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक सबस्टांसिस वेरी स्मॉल है तो नेगेटिव है। नेगेटिव पता क्यों है क्योंकि ये ना सब्सटेंसेस दी आई एम और एच ऑपोजिट होती है याद रख लेना। ठीक है अच्छा देखो बेटा हूँ जेडी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है ना इन्हां दी जेडी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो हर टेम्परेचर पे सेम रहती है। मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब कोई भी जिदा हीलियम है तो हीलियम सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू जिन्नी 300 केल्विन पे है उन्नी 600 केल्विन पे भी है भी टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा हुणा देखियो जेडी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है उसका रिलेशन आपां रिलेटिव परमेबिलिटी नाल इदां लिखिया सी। हुण आप ही देखो जे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है डाया दी तो फिर आ म्यू आर लेस देन वन नहीं हो गया है ना। अच्छा पर म्यू आर तो म्यू बाय म्यू नॉट नहीं होगा इदा मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दी म्यू दी वैल्यू म्यू नॉट तो घट होंगी या आपस इंटरलिंक्ड रिजल्ट्स है ना। तो आराम नाल थोरोली पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं याद रखने च एक नाल एक गल जुड़ी अगे ना। और लास्ट से जड़ी गल याद रख लेनी है वो की है पुत्र जिन्हें भी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है ना उन्होंने डायामैग्नेटिक बिहेवियर का कारण डायामैग्नेटिज्म का कारण की है। एक लाइन का आंसर याद रखो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डायामैग्नेटिज्म कादे करके है पुत्र ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके। डेप्थ दे विच जान दी आपां नूं हल्ले कोई लोड़ नहीं है ना ही इत्थे किसी ने पूछना बट ये जरूर पता होना चाहिए कि डायामैग्नेटिज्म का कारण की है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुहानूं पता ना भी हर इलेक्ट्रॉन दे दो मोशन है स्पिन ते ऑर्बिटल। तो डायामैग्नेटिज्म कादे करके है किहड़े मोशन करके है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लिया क्लियर है। हुण जे आपां जिथे तक कीता वा अगर इहदा कंपैरिजन पैरा नाल करिए तां गल पता की है
पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस दी पहचान कित्थों आनी जे कोई अननोन सबस्टांस मैग्नेटाइजिंग फील्ड च रख दिता जाए, ते अगर वो मैग्नेटाइज तो हो गया वो तो होना ही होना हर सबस्टांस ने, जदों भी किसी भी सबस्टांस ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड च रखना उन्हें मैग्नेटाइज होना ही है। पर अगर मैग्नेटाइज हुए सबस्टांस की आई एम वेरी स्मॉल तो हो ही हुए पर डायरेक्शन जड़ी है वो सेम रहे, ये दे एच दे, तो असी कह देना ये सबस्टांस पैरामैग्नेटिक है। मतलब जेडे पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस है वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे पर उन्हां दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एच दे ऑपोजिट होएगी, तो सेम होएगी सॉरी, और जेडे डाया वा उन्हां दी ऑपोजिट होएगी, होएगी वो वीकली मैग्नेटाइज्ड। अच्छा हुण देखण च की आंदा वा कि जिन्ने भी पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस है ना उन्हां दे अंदर जेडे अल्टीमेटली एटम दे बने हैं, तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस दे हर एटम कोल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीगे, इन्हां को अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिदा सारे अल्कली मेटल्स इसे कैटेगरी च आ गए ना, तो याद रखने हैं सारे नाम नोट्स दे विच दिते हुए है, वो नाम ते थोड़ा ध्यान रखियो, अच्छा पता होवे भी तुहानू केड़े पैरा केड़े डाया, ताकि कई बार नाम तो क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा फिर बेटा देखो इधर, क्योंकि आई एम ओवर एच डी रेशियो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, हुण पैरा दे लई आई एम स्मॉल है पर आई एम दी और एच डी डायरेक्शन सेम है, इस करके मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पैरामैग्नेटिक लई की होएगी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। ठीक है हुण मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दस दी है भी कोई भी सबस्टांस कितना आसानी दे नाल मैग्नेटाइज होएगा कि मुश्किल नाल होएगा किधर नू होएगा, तो डाया दे लई डाया लई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की ऑब्जर्व हुई इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, पर पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस दी जेड़ी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर नहीं है। और इस गल नू दसन वाला लॉ नू असी पुत कहने आ क्यूरीज लॉ, और ये बिहाफ ते ये लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ये बिहाफ ते न्यूमेरिकल भी आ सकता है कंसेप्चुअल भी, जे मैनू कोई कहे कि एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है ना, हुण गल नू सुनियो, हुण देखो हुण क्वेश्चन बनाना, वो कवे एक पासे हीलियम गैस है दूजे पासे से सोडियम मेटल है ना, दोनों दा इनिशियल टेंपरेचर से 300 केल्विन है, ते फिर बाद चो इन्हां दा टेंपरेचर करता 400 केल्विन, तो दसो इना दी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ते की फर्क पऊ। तो हुण जेनू तो पता वा भी हीलियम डाईएटॉमिक है ओदी तां मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी सेम रखू, ते जेनू पता सोडियम पैरा आ वो कहूगा भी टेंपरेचर दे वधन नाल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी घटनी है तो डिक्रीज करके, है ना, तो इस तरीके नाल जुड़ना पैना सानू। हुण क्योंकि पुत्र आ फार्मूला देखो सुनो हुण इहदे अकॉर्डिंगली देखिए, तो आ पॉजिटिव टर्म है इस करके पैरा लई म्यू आर की होएगा,
ग्रेटर देन वन, है ना, वन प्लस पॉजिटिव तो वो ग्रेटर देन वन हो गया। और फिर वही ग्रेटर देन वन है ठीक है, इंफॉर्मेशन पता लग रही। अच्छा तो लास्ट के पुत्र नोट की करनी है, जिदा आप याद रख लिया ना कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिज्म का कारण स्पिन मोशन, सॉरी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो पैरामैग्नेटिज्म का कारण स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अच्छा हूँ अगर तुसी पैरा और डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस की गल कर दें तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस लिक्विड सॉलिड गैस किसी भी फॉर्म च एग्जिस्ट कर सकता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिक्विड सॉलिड गैस किसी भी फॉर्म च एग्जिस्ट कर सकता है, पर जिन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना वो सॉलिड फॉर्म च ही होंगे। कोई भी गैस कोई भी लिक्विड कभी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं हो सकते। इदा क्यों उसका भी अपना थोड़ा जा रीजन लभांगे। तो जिन्हें भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिन्हें भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो भी तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर जेडे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो सिर्फ सॉलिड फॉर्म से एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? अच्छा हम देखो बेटा जिहड़े फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, हम ओहदे बारे भी आपां नाल लिख लईए थोड़ा जिहा, तो वो पैरा वांग ही चलना। बस बस फर्क पता कित्थे आना कि जिहड़े पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना वो वीकली मैगनेटाइज्ड होए सी, ये स्ट्रोंगली मैगनेटाइज्ड होंगे। हाँ फेरोच फेरोच वो फेरोच आ जाना, तीसरी कैटेगरी बना लेना तुम। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ने स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होना तो उन्हों की आई एम दी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी, वेरी लार्ज। हाँ उन्हों की आई एम दी डायरेक्शन वही रहनी है जिहड़ी एच वाली,
ठीक है पुत्र, पता लग गया है, इनफॉरमेशन ही है, इन्हें याद ही रखना तुसी। हाँ, अनपेयर्ड यो फर्क दसांगा, और इन दी एग्जाम्पल्स का पता ही है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है, सॉफ्ट आयरन। क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होने हैं, इस करके इन्हां दी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वेरी लार्ज है और पॉजिटिव है, स्पिन मोशन करके ये बोते भी। हुण आपां उहनूं एक्सप्लेन करांगे, कर लिया नोट ये फेरो लई। नोट कर लिया, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स है बट याद होने चाहिए है ना, आ स्टेप्स इन्हां दी इंपॉर्टेंस भी हुण आपां देखदे हां। करदा रहा सारा, देखो पुत्र हुण डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक साइमल्टेनियसली बाकी बचिया काम आप कर लेना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आ देखो बाकी जो प्रॉपर्टीज है हम शुरू होने लगे है ना। हुण पुत्र जेड़े डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, अगर आप इन्हों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगे कितने स्ट्रोंग है कितने वीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता? मैग्नेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर जी करंट कैरिंग वायर है, वो नेड़े मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग हों, दूर वीक हों। हुण अगर तुसी लिया के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च डायमैग्नेटिक सबस्टांस रख दो, तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस प्रेफर करता वा किधरों किधर जाना, फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर रीजन है ना। मतलब जे मेरे को ना करंट कैरिंग वायर है, तो मैं ये कोल लिया के डायमैग्नेटिक सबस्टांस रखता, उन्हें अपने आप दूर जाना शुरू हो जाना। देखने वाले नु की लगना मैजिक गल नु समझो, मान लो मेरे को एक हाथ च वायर है, ठीक है, दूसरा मेरे को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैं दसदा लिखाना वो तो मेरे को एक वायर है ना, और ये पीछे जुड़ी हुई है बैटरी नाल, स्विच ऑन ऑफ करना मेरे हाथ च है, तो वो वायर इतना पकड़ी है मैं, आप वा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो जो मैं स्विच ऑन करांगा तो नाल ही करंट पैदा हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म पैदा हो गया ना, तो हूँ इस डायमैग्नेटिक ने किधर नू अपने आप जाना शुरू होना दूर नू, तो देखने वाले लिए वो अपने आप ही है, जादू हो रहा अभी, तो पर कारण की है वह कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रेफर करते हैं फ्रॉम वीकर स्ट्रोंगर टू वीकर रीजन जाना, और यदा कारण हुंदा वो तो कारण है कि जेडे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना वो स्ट्रोंगर रीजन च अनस्टेबल है, वीकर चो स्टेबल हो जाते हैं, उन्हां दी पोटेंशियल एनर्जी दे कंसेप्ट करके, और जे पैरा होगा तो उल्ट हो जाना, उन्हें वीकर टू स्ट्रोंगर वाल आना, जे वो फैरो होएगा तभी उन्हें वीकर टू स्ट्रोंगर आना, तो लिख लो।
डायमैग्नेटिकली लिख लो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसा तीन लाइना बना के पॉइंट्स बना लियो ना इकट्ठे एक दूजे दे आमने सामने। तो डायज की लिखोगे पुत्र, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रेफर टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन, है ना? इदा क्यों करते हैं? तो नोट कर लो ब्रैकेट कि इन स्ट्रॉन्गर रीजन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाई, हाई पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल, एंड इन हाई एंड इन वीकर वीकर रीजन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज, उल्ट लिख दो की लिखोगे, लो स्टेबल। यही पॉइंट पैरा और फेरोज की लिखोगे, शॉर्ट च लिख लो, उल्टा करके ही समझना ना। पैरा और फेरो दे की लिखूंगे, वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन, है ना, मूव करेंगे, फेरो भी इदा ही करेंगे। वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन, लग जू पता पुत। हूँ अगला पॉइंट देखो, ये बिहाफ से ही है। जिहड़ा मैगनेट होंगे ना, बार मैगनेट, बार मैगनेट बारे दसिया होया, बार मैगनेट बेसिकली की है, डाइपोल ही है कि नहीं? तो डाइपोल का मैगनेटिक फील्ड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब होंगे, मतलब फिर उ मैगनेट के नेड़े मैगनेटिक फील्ड स्ट्रोंग है तो दूर वीक होएगा। तो जे हुण आपां मैगनेट दे कोल डाया मैगनेटिक रख दईए जां डाया दे कोल मैगनेट लै जाइए, की हो? डाया अगे अगे, मैगनेट पिछे पिछे। क्यों? क्योंकि डाया ने मैगनेट तो दूर जाना वा, है ना? तो देखण वाले ने कहना भी मैगनेट डाया नूं की कर रहा, रिपेल कर रहा। तो लिख लो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। पता लग गया क्यों? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो फिर पैरा बारे की लिखूंगे, वीकली अट्रैक्टेड बाय, मैग्नेट। तो फिर फेरो बारे भी लिखूंगे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट।
स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। बंद कर दें, हुण लिखो। अच्छा हुण पुत्तर इसे गल नूं डायग्राम च आ जाइए। इधर देखियो यार, मतलब आही जिहड़े दो पहला पॉइंट लिखिया ना, जिहड़ा सैकेंड पॉइंट लिखिया वह पहले पॉइंट तो ही आया वा भी मूव करना है ना। इसे गल नूं हुण डायग्राम च इधर देखियो यार, मान लो आ बेटा साडे कोल दो पोल पीसिस है, ठीक। ये जिहड़े दो पोल पीसिस है ना, इन्हां करके इत्थे मैगनैटिक फील्ड पैदा हो गया। तो सेंटर वाला स्ट्रोंग हुंदा मैगनैटिक फील्ड, ते इत्थे साइडां वल वीक मैगनैटिक फील्ड वीक है। यही सेम चीज इत्थे भी रहनी है। ठीक है, मतलब सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड की है स्ट्रोंग, साइडां ते वीक है उहदे मुकाबले च। अच्छा हुण आपां पता की कीता, एक साडे को से ग्लास प्लेट है, वो ग्लास प्लेट आपां इत्थे इदां रखती मैग्नेटिक फील्ड च। इस मैग्नेट सॉरी ग्लास प्लेट के उपर की किया सी, जिहड़े डायामैगनैटिक सबस्टांस है ना वो पाउडर फॉर्म दे विच, पाउडर इत्थे रखता डाया दा, इत्थे पाउडर पैरा दा, इत्थे पाउडर फैरो दा, पाउडर फॉर्म समझदे ना, पाउडर फॉर्म पीस के उन्हों। तो हुण देखण वाले नूं पता की नज़र आना, किदां नज़र आना भी इत्थे डायामैगनैटिक है तो इदां नज़र आना इहनूं। जिहड़ा आह वाला केस है वो इदां हो जाणा, इदां पता लगा क्यों होया, सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है ते जिहड़े पैरा ते फैरो है वो स्ट्रोंगर वाल ज्यादा जाना पसंद करते हैं, ते जिहड़ा डाया वा वो वीकर वाल नूं जाना पसंद करता। तो इत्थे वीकर वाल एक्यूमुलेशन ज्यादा और इत्थे स्ट्रोंगर वाल है ना, तो उही गल। अच्छा देखो बोल, मान लो आ दो यू ट्यूब्स है, ग्लास ट्यूब्स है यू शेप च, इहदे च भरता डायामैगनैटिक लिक्विड, लिक्विड इहदे च भरता पैरा, वो खाली रहनी जगह क्यों, लिक्विड फॉर्म होंदी। तो हुण बेटा जदों इहदे च डायामैगनैटिक लिक्विड भरूंगे ना, तो दोनों साइड्स ते लिक्विड का लैवल सेम होगा। लिक्विड लैवल सेम होगा, पर जिद्दां ही इन्हां दोनों विचों एक साइड मैग्नेटिक फील्ड च रखूंगे पुत, मैग्नेटिक फील्ड च रखते तो तुसी नोट करूंगे कि जिहड़ी डायामैगनैटिक वाला केस है ना
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪੈਰਾ ਚ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਿਕੁਇਡ ਲਈ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾ ਲਈ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਦੀ ਵੀ, ਫੈਰੋ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨੌਰਥ ਪੋਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਊਥ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਟਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਰੋਡ ਡਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾ ਜਾਂ ਫੈਰੋ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੌਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਹ ਰੋਡ ਡਾਇਆ ਵਾ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੈਰਾ ਜਾਂ ਫੈਰੋ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਨੌਰਥ, ਸਾਊਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਡ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਬੁੱਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਬੀ ਜਾਂ ਐਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਡ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੋ 3D ਲੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਡਾਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੈਰਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਡ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ? ਉਹ IM ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਫੈਰੋ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ।
ठीक है भाई। अच्छा हूँ ना जो जिहड़े फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है ना इन्हां दी की खासियत है बुट? देखो जिन्हें भी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस है जिदा आयरन, ठीक है, तो आयरन केड़ा मटेरियल है पैरा के फेरो आप फटाफट कहने हैं कि है फेरो है ना, पर इदा नहीं आंसर देना। किदा आंसर देना पुत? वो है जिन्हें भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उन्हां दी खासियत की है कि वो एक सर्टन टेंपरेचर तक ही फेरो है। जे उन्हां फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दा टेंपरेचर उस टेंपरेचर नूं क्रॉस कर जाए नाल ही वो पैरा बन जाते। इदां क्यों बनते हैं वो भी थोड़ी जी डिस्कशन होएगी। तो जिदा आयरन है तो आयरन दा वो टेंपरेचर जिथे तक वो फैरो है उस टेंपरेचर नूं असी पता की कहने हैं क्रिटिकल टेंपरेचर, और उन्हों असी टीसी लिख देने क्रिटिकल टेंपरेचर। और इदा संबंध फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस नाल है, और जिन्हें भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है हर एक दा अपना अपना क्रिटिकल टेंपरेचर है जो कि एक दूजे तो अलग अलग है। और जे आयरन की गल करिए तो आयरन का क्रिटिकल टेंपरेचर है इना, मतलब हुन रूम टेंपरेचर कितना होता है 300 केल्विन है ना, तो 300 केल्विन तो ये तो घट ही है। तो इस करके जब तक आयरन का टेंपरेचर इस टेंपरेचर तो घट रहू वो फैरो ही है। पर जे मान लो मेरे सामने आयरन का टेंपरेचर हो गया 100 केल्विन तो फिर वो की हो जो वो पैरा इस कन्वर्ट हो जाए। लिखो है वो तो हाँ ये फैरो दे नीचे लिखना, वो फैरो दे नीचे लिखना, नोट करके लिख लो। फॉर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर एग्जिस्ट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर अबव विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर आयरन टीसी कितना वा और लिखे आवा, उदा मतलब की समझ गए भी एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ आयरन इज बिलो दिस टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड अबव दिस टेम्परेचर आयरन बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो क्रिटिकल होंगे पुत, उ बॉन्ड टुट जाते उ आप डिसाइड नहीं करते। ठीक है, हूँ फेरोमैग्नेटिक सबसटांसिस की एक होर खासियत है, वो की है, पहला भी दसिया होया क्लास च कि जिन्हें भी सबसटांसिस है, चाहे डाया वा चाहे पैरा वा या फैरो है, इन्होंने मैगनेटाइजिंग फील्ड के मैगनेटाइज होना ही होना, पर जिदा ही आप मैगनेटाइजिंग फील्ड चो बाहर क्ढा तो डाया और पैरा तो कंप्लीटली डीमैगनेटाइज हो जाते, बट फैरो मैगनेटाइज रहा वा। तो फैरोमैगनेटिक सबसटांस को एक अलग तरह की पोटेंशियल है कि वह मैगनेटाइजेशन रिटेन कर सकता वा। ठीक है, ईवन इन द एबसेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग तो पढ़ता जाना वा, हेडे की होंगे रहा, चल जा सवेरे आना, कल कल सवेरे ही है क्लास, लिखो की लिखूंगे हुण, ये फैरो च ही लिख लियो नोट करके, छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो ये कोई डायरेक्ट नहीं किसी ने पूछना भी प्रॉपर्टीज लिख के दिखाओ इदा दा, वो बस एक दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो ये है कि जिहड़ा फेरोमैग्नेटिक सबसटांस है, अनलाइक डाया एंड पैरा, अनलाइक डाया एंड पैरा, फेरोमैग्नेटिक सबसटांसिस कैन रिटेन मैग्नेटाइजेशन इवन आफ्टर even after their removal from the magnetizing field. Hune उपर लिखी प्रॉपर्टी और नीचे लिखी वाली दोनों जोड़ के क्वेश्चन आता पुत, देखो सुनो, मान लो मैं थानू कहना वा आ है आयरन, एदा टेंपरेचर है रूम टेंपरेचर और इनू मैग्नेटाइजिंग फील्ड च रखता, फिर इनू बाहर कढ़ लिया, क्या ये को मैग्नेटाइजेशन होएगी? होएगी होएगी। अच्छा हुण वो कहिंदा कि ये साडे कोल मैगनेटाइज्ड आयरन है, हो गई, हुण वो कहिंदा आपां इहदा टैंपरेचर अबव इट्स क्रिटिकल टैंपरेचर करता, ये की बन गई है, पैरा बन गई, जिद्दां ही पैरा बनी इहदी मैगनेटाइजेशन सारी खत्म हो जानी, क्यों? हाँ खत्म हो, उस तो बाद वो कहता इसका टेंपरेचर असी दोबारा घटाता, बिलो क्रिटिकल करता, क्या एको फेरा तो बन गया, फेरोमैग्नेटिक बन गया, पर मैग्नेटाइजेशन इहदी तो हुण वो वापस नहीं आनी, इदा हुण दोबारा फिर इनू जे है ना तो आनी, उदा नहीं आनी, तो इदा का क्वेश्चन भी आ जाता, तो वह गल नू जोड़ना सीखना पैना आपां नू। अच्छा फिर लिखो पुत्र, जिहड़ा फेरोमैग्नेटिक सबसटांस है, तो ये बारे मैं लिखाया सीगा कि इहदी जिहड़ी मैगनैटिक ससैप्टेबिलिटी है ना, वो टैंपरेचर ते डिपेंडेंट तो है, बट थोड़ा जिहा कॉम्पलैक्स वे च है, ठीक है, पर फेरोमैग्नेटिक सबसटांस अबव क्रिटिकल टैंपरेचर की बन जाता, तो इस करके अबव क्रिटिकल टेंपरेचर फैरो दी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का संबंध इदा आ जाता पुत, तो टी ग्रेटर दैन टी सी है, जदों टेंपरेचर टी सी तो ज़्यादा वा तो फैरो फैरो नहीं पैरा है, तो इहदी जिहड़ी मैगनैटिक ससैप्टेबिलिटी है वो इस फार्मूला तो आएगी।
पर ये हुण पैरा दी है बेसिकली ना कि पैरों दी, है ना। इदा याद कर लो, इहदी ज्यादा लोड़ नहीं पैनी। हुण फैरो दी लिखी है ना पुत, पर कदों जदों वो अबब क्रिटिकल टेंपरेचर। देखो हुण पुत, हुण दोबारा गल सुने, थानू दस्या वा मैगनेटिज्म दे विच ना जिहड़ी सब तो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डाइपोल है, और जिथे डाइपोल होएगा उथे डाइपोल मूवमेंट भी होएगी, ते डाइपोल मूवमेंट करके मैग्नेटिक फील्ड भी होएगा। ये गल्लां आपां याद रखनिया वा। हुण जे दिमाग च लैके आईए इलैक्ट्रॉन नू, इलैक्ट्रॉन दे किन्ने मोशन्स हुंदे पुत, ऑर्बिटल मोशन भी है ते स्पिन मोशन भी है, ठीक है। जे स्पिन मोशन की गल करते हैं तो ऑर्बिटल मोशन रिवॉल्व हो रहा काम, स्पिन मोशन रोटेट हो रहा काम, तो चाहे चार्ज रोटेट करे चाहे चार्ज रिवॉल्व करे इक्विवेलेंट टू करंट लूप है, तो वो की पोजेस करेगा डाइपोल मूवमेंट। इहदा मतलब थोड़े दिमाग च हुण की याद रहना चाहिए कि जिहड़ा स्पिन मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन है उहदे करके भी इलैक्ट्रॉन डाइपोल है, और डाइपोल होने करके मैगनैटिक मूवमेंट पोजेस करेगा, और ऑर्बिटल मोशन करके भी थोड़ा इलैक्ट्रॉन डाइपोल है तो मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करेगा। पर याद ये रखना कि स्पिन मोशन दी मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ज्यादा होंगी। क्यों ज्यादा होंगी है इस लेवल पे अपना इनू डिस्कस नहीं करना, ना ही लोड है, बस हाँ होंगी है, दैट्स ऑल। आ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नोट कर लेनी है ना। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन हमेशा ऑर्बिटल मोशन तो ज्यादा हो। हुण तो देखो पुत, हुण फर्क समझो, मतलब जिथे आपां एक लाइन का रिजल्ट याद रखना वा उत्थे तक जाने लिए आपां एफर्ट्स कर रहे हैं। देखो एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल मोशन भी है प्लस स्पिन मोशन भी है। एक है
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन दे नाल नाल, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दी स्पिन हमेशा की होंगी है प्लस हाफ माइनस हाफ, है ना। इहदा मतलब जिथे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए उत्ते स्पिन मोशन है बट वो ऑपोजिट है। ता अगर इस स्पिन करके मैग्नेटिक मोमेंट है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इहदे करके भी तो मैग्नेटिक मोमेंट होएगी, पर दोनों की होन गया तो कैंसल आउट हो गई। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस दे विच जेड़ा स्पिन मोशन है वो होएगा, पर इहदे करके नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, हो गई। तो इत्थे इहदा मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे केस दे विच केड़ी मोशन बची, सिर्फ ऑर्बिटल मोशन करके मैग्नेटिक मोमेंट। पर इत्थे अभी है प्लस अभी है, ना। बट इन्हां दोनों विचों वड्डा कौन है, इनू कंसीडर करते हैं, ये उदे मुकाबले काफी घट होंगी है, इनू छड़ जाने हैं, पर है वो तो वैसे रिलेटिवली इग्नोर करते हैं। तो हुण तुसी नोट की करोगे पुत्र, थानू दस्या सीगा जिहड़े तां डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस है, क्योंकि उन्हां दे अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इस करके उन्हां दे स्पिन मोशन ने कैंसल आउट हो जाना, तो ऑर्बिटल मोशन करके असी लिखिया सी डायामैग्नेटिज्म हुंदा, जबकि जिथे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उथे स्पिन और ऑर्बिटल जो केड़ा मोशन डोमिनेट कर देना, इसे करके आपां दोनों केसेस की लिखिया सी स्पिन मोशन लिखिया ही ना। पर चाहे आ डायामैग्नेटिक बिहेवियर है डायामैग्नेटिज्म, तो आ पैरा वाला हो गया पैरा फेरो वाला, पर दोनों विच ऑर्बिटल मोशन बेसिकली तां वो चाहे इग्नोर कर रहे हैं बट हैगा तो है ना। इहदा मतलब जे सानू कोई पूछे ना कि पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म ते डायामैग्नेटिज्म चो केड़ी केड़ा मैग्नेटिज्म है जिहड़ा तीनों स्टेट्स दे विच एग्जिस्ट करदा वा, नज़र इक्को जी आंदा, वो क्यों आंदा इत्थे नज़र, क्योंकि इत्थे स्पिन वाला इफेक्ट खत्म हो गया और बाकी जगह ते स्पिन मोशन उहनू ओवर शैडो कर जांदा वा। तो इस करके लिख लो, नोट करके लिखना, एक लाइन का आंसर है कि डायामैग्नेटिज्म इज शोन बाय ऑल द मटेरियल्स इंक्लूडिंग पैरा एंड फेरो। पता लग गया क्यों क्या इतना, है ना। हाँ ऑर्बिटल मोशन, तो कई बार एक पॉइंट ले एक मार्क भी आ जाता वा भी वो दसो केड़ा मैग्नेटिज्म है जिहड़ा सारे मटेरियल शो करते हैं, वो पैरा भी करते हैं फेरो भी करते हैं, वो डायामैग्नेटिज्म है, बट उत्थे ओवर शैडो स्पिन मोशन करके हो जाता वा, अदरवाइज हैगा हर जगह पे प्रेजेंट। तो एक एक लाइन दे आंसर हूँ बेट, लास्ट लिख लो कितना हो गया टाइम, हाँ तीन बजन च 5 मिनट। तो हूँ 5 मिनट लिख लो, 5-7 मिनट ले ये पोर्शन समझ आ चुका ना, तो ये क्रैमिंग वाला ही है ज्यादातर काम, सीधा कंपैरिजन हो रहा। अच्छा
ये सिर्फ थोड़े लिए है, किसी नु दसना नहीं, मतलब ना किसी ने पूछना ना तुसी लिखना, गल वो कह रहे हैं वो तो भी अपने लिए भी समझने ली सी, भी जी एक लाइन नहीं लिखी भी डायमैग्नेटिज्म सारे च क्यों होंगे, उन्होंने समझाने लिए एफर्ट्स किए हैं, और कोई गल नहीं है ये। ठीक है, हम लिखो देखो, हम मान लो आ देखियो पुत्र, इस जगह पे ना मैं भाई आ है वैक्यूम, इतने मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जान के मैं हले डॉटेड शो की थी, सिर्फ इदा ही नहीं इतने भी, क्योंकि अपने को तीन तरह के सबस्टांसिस है ना, तो मैं तीन स्पेस तीन अलग अलग जगह का जिथे वैक्यूम है ते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता। हुण जिद्दां ही पुत्तर आपां इस पहली जगह च लिया के डाया मैग्नेटिक सबस्टांस रखता, इधर आ डाया मैग्नेटिक सबस्टांस आ रखता, डाया इतने लिया के रखता पैरा, इतने लिया के रखता फेरो, ठीक है? नहीं, वो डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक गल में समझाना। हुण होना पता की है, जितना ही इतने डाया रखे है ना, तो इन्हें लाइंस ने अपने आप में रीएडजस्ट कितना करना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू डाया, तो आ जड़ी लाइन है आ वाली लाइन है, इन्हें रास्ता ही चेंज कर लेना, इन्हें आ वाली लाइन ने भी रास्ता चेंज कर लिया, और आ जड़ी लाइन है इन्हें भी रास्ता चेंज कर लेना, भी इन्हें इतों खत्म, और इतने उल्ट होना, इतने रस्ता चेंज होना, पर इन्हें भी इतों दी इतने लाइंस डाया चो पास करना प्रेफर नहीं कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरा चो कर दिया, फेरो चो तो बहुत ही कर दिया, मतलब इवन आ दूर वाली ने भी रस्ता चेंज करके ये चो लंघन की कोशिश। तो क्योंकि डाया दे विच पैर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर नहीं कर दिया, इसे करके डाया सबस्टांसिस दा म्यू म्यू नॉट तो घट होंदा, और एदा म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होंदा, और एदा म्यू म्यू नॉट तो बहुत ज्यादा। ठीक है, कर लो ड्रॉ।
लास्ट लिख लो बेटे, मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कितनी सी ना, आप फर्स्ट यूनिट्स या मैग्नेटिक शील्डिंग भी कह देने हैं। मैग्नेटिक शील्डिंग और मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग, टू प्रिवेंट सर्टन रीजन ऑफ स्पेस, टू प्रिवेंट सर्टन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय एनक्लोजिंग दैट स्पेस विद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हुण इत्थे थोड़ा ध्यान दिओ, हुंदा पता की है, क्योंकि आपां पढ़िया ना भी डाया च लाइनज बाहर नहीं निकलदियां, तां सानूं लगदा शायद डाया दे नाल शील्डिंग हो सकती है ना, फैरो नाल होनी है। फैरो नाल कितना होनी है, तो आ देखियो हाँ, हुण आ देखियो जिदा हुण सपोज करो पुत्र, फिर आपां डायग्राम बना सकते हैं कि आ है स्पेस जिथे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना। हुण आ जिहड़ी स्पेस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਆਇਰਨ ਕੇਜ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕਸ, ਆਇਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਰਨ ਬਾਕਸ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਆ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇਗੀ ਆਇਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਇਰਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ